प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं बताऊंगा कि आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव कौन कौन सी राशि पर रहेगा ये भी जानकारी दूंगा, कौन कौन से प्रांतों में लगेगा, कौन कौन से देशों में लगेगा और भारत पर, भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा ये भी जानकारी दूंगा। लेकिन साथ में खुशी की बात है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत देश में नहीं है, कम है और ये खुशी की बात है। पहला ऐसा चंद्र ग्रहण है साल का जिसमें कुछ खुशी हो रही है, नहीं तो जब जब भी मैंने पिछले दो चंद्र ग्रहणों की और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की है वो सभी चैनलों में टीवी के ऊपर है, मैंने बोला था कि बहुत बुरा होगा और वैज्ञानिक कहते थे नहीं ये तो एंटरटेनमेंट करिए भौगोलिक घटना है। मैंने कहा ये त्राहे त्राहे करवा देगी भौगोलिक घटना और वही हुआ भी। पिछले दो सालों के अंदर आप देख रहे हैं कि 2020 निकल गया, 2021 के अंदर दो बड़े ग्रहण उनका प्रभाव रहा। लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो होता ही है क्योंकि जब प्रॉपर रोशनी नहीं आएगी, जिस रोशनी से हम संचालित होते हैं तो तकलीफ तो होगी, तो इसलिए ये चंद्र ग्रहण हानिकारक नहीं है और नॉर्थ इंडिया के लिए तो काफी अच्छा है। नॉर्थ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया पर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा, वो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है हमेशा और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अब यहां पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी तो पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर रोशनी नहीं जाती, यानी पूरी पृथ्वी सॉलिड पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पर जाने से रोक देती है, चंद्रमा अंधेरे में चला जाता है। जब चंद्रमा अंधेरे में चला जाता है तो चंद्रमा का जो प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है और वो केतु के साथ है, तो कुछ राशि वालों को, चार राशि वालों को इसकी टेंशन है और आठ राशियों को इसका कोई प्रभाव नहीं है, उनके लिए खुशी की बात है। जो आठ राशि वाले हैं जो कोरोना से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, बुखार से जूझ रहे हैं तो उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो चार हैं उन पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। मेष राशि का स्वामी मंगल है, तीसरे भाव में बैठा है, लेकिन मेष राशि से चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, मन का स्वामी चंद्रमा नीच होकर के केतु के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ। इसका मतलब मेष राशि वालों को वायलेंसी, क्रोध, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ऐसा फील होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अभी सूतक काल चालू हो गया है, आप सफेद कपड़े आज पहने, सफेद कपड़े पहन करके और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ओम सो सोमाय नमः, ओम सो सोमाय नमः, ओम सो सोमाय नमः और चंद्रमा का ध्यान करते रहें तो आपको बहुत बड़ा इसके अंदर रिलीफ आएगा। वृष राशि के लिए काफी अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है कि वृष राशि का जो स्वामी है शुक्र वो अपने घर में विराजमान है, तो एक तो ये लाभ मिलेगा और चंद्रमा और शुक्र का आमने सामने केंद्र में, युतीय केंद्र में गुरु भी बैठा है तो एक पॉजिटिव योग है और चंद्रमा से चौथे गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव योग है, आप खुश हो सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों को भी थोड़ी सी आज टेंशन रहेगी, हल्की सी तनाव रहेगा, ग्रहण का प्रभाव रहेगा। आप हरे रंग के कपड़े पहन करके अगर चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं तो काफ़ी रिलीफ आपको आएगा। कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है वो नीच हुआ है और वो मानसिक तनाव थोड़ा सा दे सकता है, तो व्हाइट कपड़े आप पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चांदी गिलास में आज पूरे दिन पानी पिए तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करें आपके लिए काफ़ी अच्छा है और कन्या राशि की अगर मैं बात करता हूँ तो कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है, चंद्रमा तीसरे भाव में मजबूत हो जाता है, कोई ज़्यादा नुकसान होने की आवश्यकता इसमें नहीं दिखाई दे रही है।
तुला राशि वालों के लिए धन दौलत के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि के ऊपर ये ग्रहण है तो वृश्चिक राशि को कहीं ना कहीं तकलीफ देगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल अपने से अष्टम मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, बुध के साथ है। मानसिक तनाव आपको रहने वाला है। अगर आपको मानसिक तनाव है तो आप मोतियों की माला पहन सकते हैं, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यानी जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, फिर मैंने कहा कि मिथुन वालों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होएगा और साथ में वृश्चिक वालों के लिए भी तकलीफ हो सकती है। धनु वालों के लिए चंद्रमा बारम भाव में रहेगा, हल्का सा डिप्रेशन थोड़ा सा टेंशन रहेगा आपको, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मकर वालों के लिए काफ़ी अच्छा है और कुंभ की बात करते तो उनके लिए बहुत अच्छा और मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा है। आपने देखा कि चार राशियों पर उसका प्रभाव है, जहां चंद्रमा छठे आठवें बारहवें भाव में जा रहा है उनके ऊपर प्रभाव इसका ज्यादा आ रहा है, और जहां चंद्रमा केंद्र में है बलवान स्थिति में तो उनके ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। अब सूतक काल है, अब सूतक काल जो लगा हुआ है वो आप देखेंगे उड़ीसा के कुछ हिस्सों में है, वेस्ट बंगाल में है, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, इन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होगा। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर वगैरह हैं इधर, उन सब के ऊपर भी इसका प्रभाव आएगा। तो हमारे ईस्ट के अंदर जो कंट्री हैं उनके ऊपर प्रभाव आएगा, और उसी अक्षांश के ऊपर जो कंट्री रहेंगे उनके ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा। अब बात आती है कि आपको इस सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए और सूतक काल में क्या बचाव कर सकते हैं। सूतक काल में मंत्रों का जाप करें, दूसरी चीज़ कोई भी संभोग जैसी स्थिति वो बिल्कुल ना करें, इसमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, खाना बनाना भी नहीं चाहिए, और अगर आप कोई मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेंटर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल ना डालें, ऐसा मकान अशुभ हो जाता है, ऐसा खाना अशुभ हो जाता है। अगर इस समय पर आप बच्चा कंसीव कर लेते हैं वो भी बहुत अशुभ हो जाता है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए और मंत्र जाप करते रहना चाहिए, और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो आपको स्नान करना चाहिए, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मित्रों, ये था आज के ग्रहण का फलादेश। आप भी जानना चाहते हैं कुछ तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा पता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-86090, ईमेल info@astrohubwell.com, वेबसाइट www.drhsrawal। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा।